घर उसमें घर उसमें बसते दामोदर। और हम नहीं जान रहे, इसी प्रकार नहीं जान रहे। नारायण ब्रह्मा का मोह भंग किया, ब्रह्मा ने अपराध किया था, बछड़े चुरा लिए थे भगवान की परीक्षा लेने के लिए, सखा चुरा लिए थे। भगवान बछड़े भी बने, भगवान सखा भी बने। अंत में जाकर के एक वर्ष तक ये लीला चली है परीक्षा की। और ब्रह्मा ने जब देखा कि नीचे सब के सब खेल रहे हैं और ऊपर देखा ब्रह्म निद्रा में सो रहे हैं, ब्रह्मा का मोह भंग हुआ। भगवान तो ब्रह्मा तक बन गए। ब्रह्मा अंत में कहता है, आप कैसे प्रभु, आपकी लीला आपकी महिमा को हम जानते नहीं। भगवान ने कहा, हम तुम्हारे बाप लगते हैं, कम से कम इतनी शर्म तो करो, अपने बाप की परीक्षा लेने आ गए। ब्रह्मा ने स्तुति करी है भगवान की। नौमी द्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रीये मधुपदे पशुपांगजाय। स्तुति करी नंद बाबा आज नंद नंदन की ब्रह्मा ने। लेकिन भगवान एक शब्द नहीं बोले। क्यों? ब्रह्मा ने अपराध किया था, बछड़ों को अलग कर लिया था। उसके पश्चात में भगवान ने गोचारण लीला करी है। बोलिए नंद नंदन गोपाल भगवान की जय। गोपाष्टमी पावन पर्व की जय। गोचारण भगवान करें, नंगे पांव गैया चरावे। भगवान को गायों से बहुत प्रेम है, गाय भगवान को बहुत प्रिय है। जब श्री राधा रानी को भगवान ने गोलोक में कहा, राधे चलो श्री धाम वृंदावन में अवतार लेकर के हम चलें लीला करने, राधे ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? जब तक तीन चीज नहीं होंगी। बोले कौन कौन सी तीन चीज? एक तो गौ माता, यदि गौ माता नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी। यमुना नदी नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी। और गोवर्धन पर्वत नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगी। ये तीन चीजें ब्रज में हो तब मैं ब्रज में अवतार लेकर के जाऊंगी। तो भगवान ने गोवर्धन भी गोलोक से उतारा है, यमुना भी गोलोक से उतारी है, और भगवान ने गो माता को भी गोलोक से नीचे उतार करके भेजा है धरती पर। बोलिए गो माता की जय। ये गो माता है, ये पशु नहीं है, ये मां है। इसलिए हम गाय को मां कहते हैं। लोगों ने कहा दूध तो बहुत देती है, बकरी भी देती है, लेकिन बकरी माता कभी नहीं कहते, गाय को ही माता कहते हैं। क्यों? गाय के मुख से जो आवाज निकलती है, उसमें जो ध्वनि निकलती है, वो मां शब्द निकलता है। गाय की आवाज सुनिए, मां 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 मां। और भैंस का मां ऐसी आवाज है। भैंस के मुंह से मां शब्द नहीं निकलेगा, बकरी के मुंह से मां शब्द नहीं निकलेगा, केवल गो माता है जिनके मुख से मां शब्द निकलता है। और हमारे यहां पर धन, बहुत सारे धनों में एक धन गोधन भी है। पहले घर में गोलक रखी जाती थी, गोलक 10 पैसा प्रतिदिन डालिए। ये गोलक गो माता की रक्षा के लिए हमने रखा है। भैया आज स्थिति यह हो गई है कि जिस घर में कभी गाय बंधा करती थी, आज वो स्थान कुत्तों ने ले लिया। पहले के समय गो माता घर में रहती थी, चाहे छोटा घर होता था, एक छप्पर डाल दिया जाता था, गो माता का रक्षण किया जाता था। अब आप विचार करो, जिस घर में गाय रहती थी उस घर में लिखा रहता था स्वागतम, और जिस घर में कुत्ते पालने लग गए वहां लिखा है सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। अतिथि घर में आवे पहले भी डर जावे कि सावधानी को कहा चक्कर भीतर। और गाय जिस घर में रहती है
उस घर में स्वागतम लिखा जाता है, हमारे यहां अतिथि का सत्कार किया जाता है। लोग कहते हैं आजकल भैया छोटे छोटे घर हो गए, गाय को रखें कहां। अच्छा एक बात, बड़ी गाड़ी रख सकते हैं लेकिन एक गाय नहीं रख सकते। तो कहा महाराज गाड़ी तो यात्रा करा देती है, एक शहर से दूसरे शहर, एक नगर से दूसरे नगर, गोमाता क्या कराएगी। अरे गाड़ी तुम्हारे को केवल इस देश की यात्रा करा देगी, लेकिन गौ माता की सेवा यदि तुमने कर ली तो गौ माता की पूछ पकड़ लो तो बैतरणी पार करा देगी, भवसागर पार करा देगी, भवसागर की यात्रा करा देगी। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, गाय के मूत्र में गंगा। महाराज पहले के घर गैया के गोबर से लीपे जाते थे और वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, इस पर शोध किया है, जिसके घर गाय के गोबर से लीपे हुए रहते हैं, गाय भी देसी, जिस व्यक्ति के घर गाय के गोबर से लीपे रहते हैं उस घर पर परमाणु बम का भी कोई असर नहीं होता है। ये रिसर्च पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये भी पढ़ना। गाय के गोबर से इस प्रकार का रसायन ऐसी गैस निकलती है जो परमाणु की गैस को भी निष्क्रिय कर देती है। गाय के गोबर के गुण हैं, लेकिन आज गौ माता का वध हो रहा है। गोवंश की रक्षा कैसे हो, इस पर विचार करना चाहिए हम सब के लिए। हम सब भारतीय हैं, हम सब सनातन धर्मी हैं। भगवान गोपालक बनकर के सबको संदेश देते हैं कि यदि भगवान होकर के, विश्व का मालिक होकर के, जगन्नाथ होकर के, मैं गाय का सेवक बनकर के गाय के पीछे पीछे चल सकता हूं उसकी सेवा करने, तो अरे हिंदू भाइयों और बहनों, अरे भारतीयों, अरे सनातन धर्मियों, कम से कम गो रक्षा के लिए आपको भी तो जागना चाहिए। ये संकेत कर रहे हैं और गो माता हम सबसे पुकार कर रही है। क्या कह रही है, धर्म सनातन की तुम रक्षक, धर्म सनातन की तुम रक्षक, गौ माता की तुम संतान, गौ माता की तुम संतान, आगे बढ़ो रक्षा करो, आगे बढ़ो रक्षा करो, तेरी माता है परेशान, आगे बढ़ो रक्षा करो, तेरी माता है परेशान, धर्म सनातन की तुम रक्षक, धर्म सनातन की तुम रक्षक, गौ माता की तुम संतान, गौ माता की तुम संतान, आगे बढ़ो रक्षा करो, आगे बढ़ो रक्षा करो, तेरी माता है परेशान, आगे बढ़ो रक्षा करो, तेरी माता है परेशान, मीरा पीपी दूध तू इतना हृष्ट पुष्ट बलवान हुआ, मीरा पीपी दूध तू इतना हृष्ट पुष्ट बलवान हुआ, फिर अपनी माँ की हालत से बेटा क्यों अनजान हुआ, फिर अपनी माँ की हालत से बेटा क्यों अनजान हुआ, मेरी ममता के बदले में क्यों मेरा अपमान हुआ, मेरी ममता के बदले में क्यों मेरा अपमान हुआ, कुछ अपनों की मिली भगत से बद मेरा आसान हुआ, बद मेरा आसान हुआ, बद मेरा आसान हुआ, मेरी लाड लो मुझे बचा लो, मेरी लाड लो मुझे बचा लो, संकट में है
ब्राइटनेस मैं उजली, मेरा मन उजला, और तूने उजियाले को त्याग दिया, काले काले अंधियारे को, काला कुत्ता काली बिल्ली, काले काले अंधियारे को अपने घर में वास दिया। गाय जिस घर में रहती है उस घर का मंगल होता है, लेकिन गौ माता कह रही है मैं तेरा कैसे उद्धार करूं, कैसे मंगल करूं? बोले क्यों? बोले मुझे तो निकाल दिया है और कुत्ते और बिल्ली घर में तेरे पाल ली। मैं उजली, मेरा मन उजला, तूने उजियाले को त्याग दिया। मैं उजली, मेरा मन उजला, तूने उजियाले को त्याग दिया। कारे कारे अंधियारे को अपने घर में वास दिया। कारे कारे अंधियारे को अपने घर में वास दिया। कैसे तेरे आंगन में खुशियों की सौगात भरूं? फिर मैं कैसे तेरे आंगन में खुशियों की सौगात भरूं? कैसे तेरे इस जीवन की विपदा और संताप भरूं? विपदा और संताप भरूं? विपदा और संताप भरूं? मुझे किताबों निकाल कर अपने घर में दो स्थान, अपने घर में दो स्थान। आगे बढ़ो रक्षा करो, आगे बढ़ो रक्षा करो, तेरी माता है परेशान। आगे बढ़ो रक्षा करो, तेरी माता है परेशान। गोबर में लक्ष्मी का वास ऐसा ग्रंथ कहे, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास ऐसा ग्रंथ कहे। गौ की कृपा से कुछ दुर्लभ कथा में ऐसा संत कहे। गौ की कृपा से कुछ दुर्लभ ऐसा संत कहे। गौ सेवा से सदगति होती नारायण भगवंत कहे। गौ सेवा से सदगति होती नारायण भगवंत कहे। एक दशा वंदनी गौ मेरे ये जग बिंदु बहे, मेरे ये जग बिंदु बहे, मेरे ये जग बिंदु बहे। रक्षा का संकल्प धार लो, रक्षा का संकल्प धार लो, गौ माता देवी वरदान, गौ माता देवी वरदान। आगे बढ़ो रक्षा करो, आगे बढ़ो रक्षा करो, तेरी माता है परेशान। आगे बढ़ो रक्षा करो, तेरी माता है परेशान। गौ माता की करुण वेदना देखी आज नहीं जाती, गौ माता की करुण वेदना देखी आज नहीं जाती। गौ भक्ति प्रति ममता से मानवता भी शर्माती, गौ धन के प्रति निर्ममता से मानवता भी शर्माती। अपनी संतानों को जगने से मैया है घबराती, अपनी संतानों को जगने से मैया है घबराती। कैसा हाल करेंगे मेरे बच्चों का ये कुल भाती, बच्चों का ये कुल भाती, बच्चों का ये कुल भाती। अरे शीश उड़ा दो ऐसे लोगों, शीश उड़ा दो ऐसे लोगों का जो गौ की लेके जान, का जो गौ की लेके जान। आगे बढ़ो
करो तेरी माता है परेशान आगे बढ़ो रक्षा करो तेरी माता है परेशान मेरी माता है परेशान तेरी माता है परेशान बोली गौ माता की जय। जो दूध दे रहे हैं गाय तो केवल देसी गाय है गो माता नारायण उसकी आंखों को देखो तो मासूमियत अलग दिखाई देती है। आप स्वयं देख लो केवल दुग्ध से मत तोलो गाय गो माता की नेत्रों को देखो तो जो मासूमियत जो करुणा देसी गो माता में दिखाई देगी देसी गो में दिखाई देगी वो अन्य दूध देने वाले पशुओं में दिखाई नहीं देगी। नारायण गो माता के लिए तो यहां तक कहा है कि जो भूमि बंजर हो जाए अगर गो माता के शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो 10 हाथ 12 हाथ नीचे गो माता के देह को गाड़ दिया जाए मृत देह को गाड़ दिया जाए। गो माता के उस मृत देह से देह में भी बंजर भूमि को उर्वरक बनाने की शक्ति और क्षमता है। ये है गो माता की कृपा। आप हमारे परम पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी वो तो कहते हैं गो माता की सेवा आप कर महाराज ऐसे ऐसे रोग दूर हुए हैं गो माता की औषधियों से घुटने में दर्द है कैंसर जैसी बीमारियों तक का इलाज गो माता की औषधियों से हुआ है गोमूत्र से हुआ है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इसमें कहीं कोई मिथ्या अपवाद नहीं है। नारायण उसके पश्चात में भगवान ने काली नाग को नाथ करके और यमुना जल को शुद्ध किया काली नाग को नाथ कर यमुना जल शुद्ध किया। भगवान का एक उद्देश्य है भगवान को आप ये ना समझें राक्षसों को मार मूरने का काम भगवान करना 5 तत्वों की शुद्धि भगवान ने करी है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो मिट्टी खाई ठाकुर ने मृदुभक्षण लीला है वो पृथ्वी तत्व का उद्धार है। व्योमासुर को मारा आकाश तत्व का उद्धार है व्योमासुर आया था और काली नाग को नाथ करके यमुना जल को शुद्ध किया ये जल तत्व का उद्धार है। अब क्या बचा पृथ्वी हो गई वायु तृणावर्त को मारा आयला वायु तत्व का उद्धार है और काली नाग को नाथने के बाद महाराज काली नाग को आज्ञा दी काली 100 फण लेकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा है। अब तक थाली पर नाचते हुए देखा होगा थाल पर नाचते देखा होगा रस्सी पर नाचते देखा होगा लेकिन ठाकुर ऐसे हैं जो न रस्सी पर नाचते हैं न थाल पर नाचते हैं न थाली पर नाचते हैं 100 फण के काली पर नाचते हैं। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली फम 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 फणन ऊपर फम 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 फणन ऊपर चरण ठाकुर रख रहे हैं अपने बिम 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 बिनती करत नाग बधू आली तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली फम 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 फणन ऊपर चम 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 चरण धरत चरण परस अभय कियो काली तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली गम 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 धर्व आदि सब ही देत ताली तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली। भगवान ने ऐसा नृत्य किया कि काली चरणों में गिर पड़ा है सह 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 सूरदास पह 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 प्रभु की वाणी चरण परस अभय कियो काली तांडव गति मुंडन पर निरतत बनमाली चरणों में गिर के काली। भगवान ने कहा यहां से रमणक द्वीप में चले जाओ यमुना में मत रहना
बोले प्रभु रमण द्वीप में आपका वाहन गरुण है, मार डालेगा मेरे लिए। बोले मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर पड़ गया है, मारेगा नहीं, प्रणाम करेगा। जाओ काली वहां से स्तुति करके नाग पत्नियां गई हैं, रात्रि में वहीं रुके हैं सब, अग्नि लगी है, सबने कृष्ण कृष्ण पुकारा है, भगवान ने अग्नि पान करी है, मुख में मुंह खोला, आग पी ली। ये काम भगवान ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते, ये उसकी ही सामर्थ्य है। और एक बार दिन में आग लगी तो भगवान ने वो भी मुख में पान करी है, दिन में आग। कहा कि दो बार आग क्यों लगी और क्यों पान करी, भगवान ने दोनों बार मुख में पान करी। अब देखो कारण, एक कारण तो ये कि जो वस्तु जहां से निकलती है वहीं पर जाकर मिल जाती है, जैसे सोना आभूषण सोने में मिल गया, घड़ा मिट्टी में मिल गया, अग्नि भगवान के मुख से निकली है, मुखात अग्नि रजायत, तो मुख में ही जाकर मिल गई। और दूसरी बात, भगवान ने मुख में अग्नि पान करके संकेत किया दिन और रात, अगर मेरे भक्तों पर संकट आ जावे चाहे रात हो या दिन, मैं हर पल हर क्षण उनकी रक्षा करने को तैयार खड़ा हुआ हूं, कभी भी कोई संकट आवे। ये है भगवान का वचन। भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन प्रतिज्ञा करो, कौन ते ये प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन प्रतिज्ञा करो, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। अर्जुन ने कहा कमाल है भक्त आपका, प्रतिज्ञा आप करो, मुझसे क्यों करवाते हो। कौन ती प्रतिजानी, हे कुंती नंदन प्रतिज्ञा तुम करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। अर्जुन ने कहा मुझे क्यों कह रहे हो प्रतिज्ञा करने को, आप क्यों नहीं करते। बोले बात ऐसी है कि मेरी प्रतिज्ञा तो कभी छूट भी जाएगी, लेकिन मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर लेगा वो जन्म जिंदगी में कभी नहीं टूटेगी, ये मेरा वचन है। भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखा भगवान ने और अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सकता हूं लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता हूं। नारायण उसके पश्चात में महाराज वर्षा शरद ऋतु का वर्णन है, जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता उन कन्याओं के लिए प्रयोग बताया है। किस पुस्तक में है प्रयोग? अनुराग बोध में। करना पड़ेगा स्वयं को, कोई कहे कि भैया कोई और कर ले, बोले भोजन भजन लगन और मरण, ये चार काम स्वयं को करने पड़ते हैं, कोई और नहीं आएगा। नारायण यहां पर कन्याओं ने कात्यायनी का पूजन किया है और कृष्ण हमें पति रूप में मिले ये कामना की है। यमुना में स्नान किया, भगवान ने इनके वस्त्रों को चुराया है, ये चीरहरण की लीला है, लेकिन चीरहरण नहीं है, अज्ञान का आवरण हटाया है। यहां पर कहीं पर भी वासना नहीं है, लस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों? कितनी बड़ी कन्याएं हैं, नॉट मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज्यादा नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष। अब 7 वर्ष के कृष्ण के अंदर काम आएगा? 7 वर्ष के छोरे के अंदर काम वासना आएगी? जिस समय पर टेलीविजन भी नहीं थे साहब, अब विचार करके देखो, जिस समय विषयों के वो साधन नहीं थे, ऐसे कृष्ण के अंदर कहां काम, और 10 वर्ष की कन्याएं इनके अंदर कहां कोई दुर्भाव। लेकिन अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए लीला की गई कि 4 प्रकार के भक्त हैं। एक ब्राह्मण जाति का भक्त है, भक्ता है, एक क्षत्रिय जाति की भक्ता है, भक्तिन, एक वैश्य की और एक शूद्र जाति की, 4 प्रकार की भक्ता है। पहली भक्ता कह रही है श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे कपड़े तो लौटा दो। ये शूद्र वर्णा है, दासत्व तो स्वीकार कर रही है, श्याम सुंदर ते दास्य। दूसरी वैश्य वर्णा, अरे कन्हैया करवाम तबोदितम, कदम पे चढ़ गया है, अरे हमारे कपड़े तो दे दे। अच्छा चल जो तू कहेगा वो कर देंगी, कपड़े तो दे। ये वैश्य वर्ण की है। बनिया क्या कहता है? मुनीम कहेगा सेठ जी इनकम टैक्स में फाइल अटक गई है, अरे ले दे के काम बना, जो कहे कर दे। समझ
समझ रहे हो मेरी बात? बनिया है इसलिए कह रही है करवा मत वो दे, तुम जो कहोगे कर देंगी। तीसरी कहती है कन्हैया देही वासांसी धर्मज्ञ, कम से कम धर्म की तो दुहाई है तुम्हारे लिए, लाज दे रहे हैं, धर्म की मर्यादा तो रखो, हमारे वस्त्र ले लिए, ये क्या धर्म है तुम्हारा? भगवान ने कहा ये धर्म की बात कर रही है, ब्राह्मण वर्णा है, ब्राह्मण धर्म ब्रह्म की ज्यादा बात करता है। और चौथी कहती है कन्हैया कपड़े देता है कि मैया यशोदा से डंडे पड़वा करके कपड़े लेंगी। भगवान ने कहा बाप रे बाप, मारा मारी की बात करती है, क्षत्रिय वर्णा है, चार प्रकार की भक्ता है। भगवान ने इनके वस्त्र लौटाए हैं और महाराज यहां पर ये महाराज हुआ है, ये महाराज ब्रह्मचारिणियों के साथ, और उसके बाद गृहस्थियों के साथ महाराज हुआ। गृहस्थियों के साथ महाराज कैसा, इस प्रसंग को भी एक दो मिनट में सुनाऊं। इन ब्रह्मचारिणियों ने तो कहा अब फिर कब शीघ्र मिलेंगे, अभी तुम आनंद लो जाओ। गोचारण करते भगवान गए, भूख लगी, सखाओं को कहा जाकर ब्राह्मणों के घर में कहो कि कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं। सखा गए, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, कहा कृष्ण बलराम भूखे हैं, भोजन मिल जाए। ब्राह्मणों ने ना हां किया ना किया। कृष्ण बलराम के सखा लौटकर आ गए, कहा कन्हैया ब्राह्मण तो ना हां ना करें, कुछ नहीं करें। बोले ब्राह्मणों के पास क्यों गए? बोले तुम नहीं तो कहा? अरे मैंने कहा ब्राह्मणों के घर में चले जाओ, घर घरवाली से होता है, आदमी से नहीं होता। गृहिणी गृह मिथ्याहु न तत् गृह गृह मुच्यते, आदमी तो व्यापार करने दफ्तर चला जाता है, घर को तो घरवाली संभालती है, जाओ घर में। अब गए, जो ब्राह्मणियों को पता लगा आंखों में झरझर अश्रु धारा गिरने लगी, सोने की थाल में चांदी की थाल में भगवान के लिए भोग लेकर के चली हैं। कैसे चली? जैसे यमुना गंगा आदि नदियां अपने पति समुद्र से मिलने को दौड़ती। एक ब्राह्मण देख रहा, ए तू कहां जा रही है? बोले कृष्ण बलराम भूखे आए हैं, भोजन लेके जा रहे हैं। अरे कृष्ण बलराम चल अंदर। अंदर बंद कर दिया, बाहर से सरकोना लगा दिया। और ब्राह्मण की पत्नियां तो बाद में पहुंची, लेकिन इस गोपी के प्राण निकल गए हैं और इसकी ज्योत ठाकुर के श्री चरणों में पहले लीन हो गई है जाकर। ये तड़पन, ये व्याकुलता हो, कैसी तड़पन? जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, हो जी हो जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, अब सब्र नहीं मुझ में, कितना परखता है कान्हा तेरे दर्शन को, तेरा दास तरसता है कान्हा तेरे दर्शन को, तेरा दास तरसता है। ये तड़पन, ये व्याकुलता हो तो मेरे में प्राण निकल जाएगा। ये हुई, प्राण निकले, वो पहले ज्योत लीन हो गई। ब्राह्मणी ने भोजन कराया, ठाकुर ने भोजन पाया, कहा अपने घर जाओ, बहुत आनंद आ गया, भूख मिट गई। कहा हमारे पति मार डालेंगे हमें, बिना पूछे हम आई हैं, मेरे तुम्हारे पति तुम्हारी पूजा करेंगे, जाओ। और जैसे ही आई, ब्राह्मणों ने कहां गई थी? बोले कृष्ण बलराम आए थे भूखे, तो सखा हमारे पास आए, भोजन लेकर के गई, करा के आई। ब्राह्मणों की आंखों से आंसू की धार बह गई कि सखा तो हमारे पास भी आए थे, लेकिन हम डर के मारे भयभीत गए नहीं। किसके डर के मारे? बोले कंस के डर के मारे, कहीं कृष्ण बलराम को भोजन कराएंगे तो कंस मार डालेगा हमारे लिए, हम डर के मारे गए नहीं। हम विचार कर रहे थे कि हमें नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन अब हमको कोई डर नहीं है।
ब्राह्मणियों ने कहा आप क्यों डर नहीं है, बोले क्योंकि अब तुम तो वैकुंठ जाओगी ना, बोले हाँ तो, बोले जब तुम वैकुंठ जाओगी तो तुम्हारी साड़ी का पल्लू हम भी पकड़ लेंगे, हम भी तुम्हारे साथ वैकुंठ चले जाएंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। एक गृहस्थियों पर कृपा भगवान ने करी, एक गृहस्थियों के साथ महाराज। अब एक प्रकरण सुना करके वाणी को विश्राम देंगे, गोवर्धन लीला श्री गिरिराज लीला। नारायण ब्रज में, बहुत पहले की बात है, ब्रज में हर वर्ष इंद्र की पूजा की जाती थी और बड़ी भारी इंद्र की पूजा हुआ करती थी। एक समय की बात है, एक महीने पहले इंद्र की पूजा की तैयारी ब्रज में शुरू हो जाती थी, इतनी भारी पूजा होती थी। महाराज एक दिन नंद बाबा ने ड्योढ़ी पिटवाई, कहा सुनो भैया इस बार तो गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई, हर बार एक महीने पहले इंद्र की पूजा की तैयारी होती थी, अब तो समय बहुत कम बचा है, 7 ही दिन बचे, अब कैसे तैयारी हो, हम तो भूल गए इंद्र की पूजा को, कैसे भूल गए। बोले कन्हैया की लीला के चिंतन में भूल गए, अब कैसे तैयारी करें। बोले कोई दिक्कत नहीं, समय कम बचा है तो क्या हुआ, कम समय में भी तैयारी हो जाएगी। बोले कैसे हो जाएगी, बोले हमारे यहाँ एक हलवाई बैठता था, हम 10 बैठवाएंगे, दूसरा का मेरे यहाँ तो 15 पहले ही बैठते थे, 30 बैठवा देंगे। नंद बाबा ने कहा तो अपने यहाँ 108 हलवाई में बैठाऊंगा, 108 हलवाई, 108 भट्टी। आप सोचो घर घर में भट्टी, घर घर में हलवाई और घर घर में पकवान बनना शुरू हो गया, क्योंकि तैयारी केवल 7 दिन में करनी है, समय कम है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, लेबर बढ़ा दी। भगवान नंद नंदन गोचारण करते हुए आए और महाराज देसी घी खुशबू ऐसी बढ़िया, वो सुगंध आई, एक गोपी के घर में घुसने लगे। अब हमारे यहां झूठ पिटारे को कितना बड़ा चीज है, आप देखो गोपी ने घर में घुसन नहीं दिया। बोले गोपी क्यों नहीं घुसने देती, बोले कन्हैया देवता की पूजा की तैयारी चल रही है लाला, तू अगर गयो तो सब झूठ पिटारो कर देगो, देवता को भोग कहां लगेगो। भगवान बोले ठीक है गोपी, आज ऐसा दिन आयो है कि अब तू हमें ही भूल गई है, तो देवता याद आ रहे हो, अरे हम सबसे बड़ा देवता तो हमारे पेट में बैठो भाई, भूख लग रही है भाई। बोले कन्हैया आज नहीं फिर कभी, भगवान ने कहा जीवन में बुलाना ना तू, अब देखूंगा तेरे को, अब तू न्यो तो दे करके देखियो, तेरे घर में तू कन्हैया के लिए तरस जाएगी, अरे अभागिन ऐसे ऐसे करके भगवान ने खूब बोलो। ये तो महाराज रोवे लग गई। बोले कन्हैया रुक जा ऐसे मत कहे कन्हैया, हम भोजन अंदर से लेकर मिठाई आम है, तू दरवाजे पे खड़ो है जा, हम यहीं आए के तो दे देंगी, तू खा जा देवताओं चलो जा यहाँ पे आराम से। भगवान बोले वाह भिखारी के बेटा, समझ लियो कि दरवाजे पे खाए के चले जा, भिखारी दरवाजे पर लेके चले जावे, हम भिखारी के छोरा नहीं है रे गोपी, हम ब्रज के राजा के छोरा है, हम ते तो कोई 10 बार कहे आओ जी भैया जी लाला जी मुन्ना जी, तब्बा के घर में एक बार केवल एक बार आ जाते हो, नहीं पानी पीवे, पानी पीवे के लिए आते नहीं, एक बार केवल पानी पीवे को विचार करें, जामे नहीं है। भगवान दूसरी गोपी के घर में, वो भी लटले के दरवाजे पर, भगवान बोले बाप रे बाप कितनो लंबो देवता है, देखू मेरे घर में घुसो के ना घुसो, आज भगवान जो अपने घर में गए देसी घी के पकवान की खुशबू भगवान की। महाराज भगवान ने कहा भैया भैया निकल कर यशोदा प्रस की साड़ी बदल करके बाहर आई है, भगवान ने कमर में हाथ दी, भैया ऐसी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है, कहा है रहे कोई लाला देवता की पूजा की तैयारी आ रही है, अरे भैया मेरे घर में भी देवता आए के बैठ गए, मैं समझो कि मेरे घर में नहीं बैठो, ये तो सब जगह डेरा जमाए के बैठा हुआ, भैया ये कौन देवता है। आज मैया सोचे कह दू इंद्र देवता है, तो कहे बोला वो इंद्र के दर्शन करा, कहां पे इंद्र के दर्शन कराऊं, मेरा मुंह खाएगा, आज के बच्चा तर्क करे ना, भगवान है तो हमें दिखाओ भगवान कहां, तो मेरा मुंह खाएगा, अब मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, मैं तो हूं गंवार, कहां पे वो इंद्र को लाए कर, तो बाबा को मुंह खावे जा, बाबा को। अब महाराज भगवान गए नंद बाबा के पास, गोद में बैठ गए, बाबा ये कौन देवता है जाकी इतनी तैयारी चल रही है, लाला ये इंद्र देवता है, अच्छा इंद्र है, हाँ बाबा इंद्र कहाँ काम कियो करे,
What does he do? वो करता क्या है? अरे लाला तुझे नहीं पता, ये देवराज इंद्र है, देवताओं का राजा है। ठीक है बाबा, लेकिन करता क्या है? इंद्र की ओर करे वर्षा। अच्छा, वर्षा से हो गए घास, घास से खावे गैया, गैया को दूध, दूध को दही, दही को माखन, माखन खावे कन्हैया। बाबा अब समझ में आई, जो माखन मिश्री में खाने को मुंह मिल रहे हो, ये देवराज इंद्र की कृपा से मिल रहे हैं। लाला बिल्कुल ठीक समझो तू। तब एक बात कहूं, बोलो, बुरा तो नहीं मानेगो? नहीं, मैं समझाऊं कि नहीं समझाओ बात तू भूल जा, लेकिन तू बिल्कुल नहीं समझा। 7 साल के छोरा 97 साल के बुढ़ाते जवान लड़ा रहे हो कि तू ना सीखो, मैं ना समझो? लाला तू कहां समझो? बाबा सुन मेरी बात, वर्षा कैसे हो गए, या कि साइंस है पीछे, हमने गूगल करी है कैसे वर्षा हो गए। बोले सूर्य 8 महीना धरती से पानी को खींचो करे, बातें बने बादल मेघ, वो टकरावे पर्वतन ते, और पर्वतन ते टकरा के होवे वर्षा। महेंद्र किम करे स्थिति, इसमें इंद्र क्या करेगा? इंद्र का बाप कुछ नहीं कर सकता। नंद बाबा बोले लाला तू साइंस भी पढ़कर आयो है? अरे बाबा मैंने सब कुछ पढ़ो है। लाला तेरे गुरु कौन है? बोले जंगल में जाऊं तो ऋषि मुनि संत महात्मा मेरे गुरु है। वैसे तो कृष्ण कौन है? सबन को गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन मौको पड़े तो सबन को चेला भी बन जावे महात्मा। आज भगवान ने कही बाबा नास्ति ईश्वर। अरे बच्चों सुनो आज तुम्हारे मतलब की बात, नास्ति ईश्वर, कोई गॉड नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। भगवान कह रहे हैं खुद ही, सुप्रीम एनर्जी कह रही है खुद ही, कोई भगवान नहीं है। और यदि चेत, यदि कोई भगवान है तो कर्म करने वाले को फल देने के लिए विवश है, इसलिए दुनिया में कोई और भगवान नहीं, कर्म ही भगवान है। अच्छा एक बात विचार करो, आज मैं आपको हकीकत बात बता दूं, जो कमरे में नहीं कह सकता था, कहीं नहीं कह सकता था, आज कह दूं, भगवान भगवान कोई नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं, ये पंडितों के चोचले हैं, सुन लो। हाँ तुमने देखो अनिल जी भगवान? भगवान भगवान कोई नहीं है। एक आदमी इसी बात को कह रहा था और बड़ी तरीके से पुष्ट किया मंच पर। उसने कहा सुनो बुरा मत मानना, गोविंद देव के मंदिर में बैठे हुए हो, भगवान ये कोई नहीं है, ये सब घंटे घड़ियावल जितने दिखाई दे रहे हैं, पूजा पाठ सब, और सब भगवान नाम की सत्ता वत्ता कुछ नहीं है, है ही नहीं भगवान। अगर कोई भगवान है तो कर्म है, कर्म इज गॉड। क्यों? आप विचार करके देखो, आप कर्म छोड़ दो और एक कमरे के अंदर बैठ जाओ, अगर भगवान सब जगह है तो तुम्हें लड्डू कचौड़ी खिलाने आएगा? आएगा? अगर नहीं आएगा तो भगवान कहां? अगर भगवान इस दुनिया में है तो इन पत्थरों की मूर्ति में भगवान ये सब नहीं है, और कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो केवल तुम्हारा और हमारा कर्म ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। देखो ताली बजा दी, ये बड़े भोले भाली हैं, इनसे जो कह दो वही मान लेंगे। इस पर भी खुश हो गए भगवान नहीं है, मंदिर में बैठे हो और कह रहे हो भगवान नहीं है, ताली बजा रहे हो, कमाल कर दिया। अब वो आदमी जो मंच पर खूब बोल रहा था भगवान भगवान कोई नहीं है, वो जब मंच से नीचे उतरा एक बात बोलता, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म ही ईश्वर है। तो महाराज जीटीवी वाले आज तक वाले सब आ गए, उन्होंने कहा महाराज इतनी कम उम्र में आपने इतना सब ज्ञान पाया कहां से, ये सब आप में आया कहां से, ये सब कैसे हुआ? अरे सब उसकी कृपा, समझ में आया? न मानने वाला भी मानेगा, नहीं मानने वाला भी मानेगा,
सब कुछ मानने वाला भी मानेगा, कुछ नहीं मानने वाला भी मानेगा, लेकिन आप इस बात पर ताली नहीं बजाएंगे। अरे भैया, कर्म भी जड़ है, जब परमात्मा बैठता है तो कर्म में शक्ति देता है, हाथ में बैठता है तो कर्म कांड बनता है, बुद्धि में बैठता है तो ज्ञान कांड बनता है, और वही परमात्मा जब हृदय में बैठता है तो भक्ति कांड बन जाता है, वो परमात्मा निकल जाता है तो देह पड़ा रह जाता है। ईश्वर तो है, ईश्वर है कैसा सा? हम लोगों की कमी है, हमने उसको माना नहीं, और इसलिए आज हर घर में दुख है। हो फल मेवा तो समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है, भेदभाव तकरार नहीं करता वो इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं करता वो इनकार नहीं, पालू दाता दा तू करता तनिक विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, ओ लगाए कीमत कोई नाप सका, ऐसे अनमोल बनाए हैं, और कोई अंग बेकार नहीं पा सकता कोई पार नहीं, कोई अंग बेकार नहीं पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे शिल्पकार का मन में करता तनिक विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। अच्छा विचार करके देखो, एक और विचार, कल आए थे ना फ्लैट पर, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी, बार बार आ रही थी जा रही थी, मोबाइल की लाइट पर काम चल रहा था, ये है संसार का बिजली घर, और भगवान का बिजली घर देखोगे देखो कैसा है, सूर्य चंद्र तारों का जाने कहां बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा दे कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ, और मजे की बात खंबा और कोई तार नहीं,
खड़ी कोई दीवार नहीं, खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। ऐसे कारीगर का मन में करता तनिक विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। तुम्हारे पास है, किन किन के पास अपना घर है वो हाथ ऊपर करो, कितने लोगों? अच्छा, तुम्हारा अपना घर है लेकिन हाउस टैक्स देते हो कि नहीं? अरे कमाल है, तुम्हारे घर है, तुमने रजिस्ट्री कर ली है पर हाउस टैक्स देने की दरकार क्या? वाटर टैक्स देते हो कि नहीं देते हो? तुम्हारे घर की बिजली तुम्हारे नाम से इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो कि नहीं देते हो? अब जरा भगवान को देखो, जलवायु और अग्नि का लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है, वो कर्मों का फल दे सभी को, सबको सबके कर्मों का फल देने वाला तो वही है। और कोई सोचे कि हमारे कर्म भले ही बुरे हो भगवान को रिश्वत दे दे, कर्मों का फल ले सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं, कर्मों का फल ले सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। ऐसे दीन दयालु जज का करता तनिक विचार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, ओ सुन से रहे व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, सुन से रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो बात दे लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। इसलिए यहां पर भगवान ने भगवानवाद का प्रतिपादन न्यून करके कर्मवाद का प्रतिपादन प्रदान किया, क्योंकि लोग यही ना करें केवल मंदिर में ही भगवान पूजे और कर्म करना छोड़ दें। इसलिए भगवान ने आज परमात्मा के पूजन के साथ प्रकृति का पूजन करवाया, गिरिराज का पूजन। गिरिराज प्रकृति है, प्रकृति का सम्मान करना भगवान ने सिखाया, नेचर का भी तिरस्कार मत करो। आज हरे भरे पेड़ों को काट रहे हो, आज पहाड़ों को काट रहे हो, प्रकृति का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। भगवान ने आज गिरिराज के पूजन का संकेत किया, निर्देश दिया, नंद बाबा सबको लेकर के चले महाराज। बढ़िया बढ़िया छप्पन भोग। भगवान ने ये विचार किया कि प्रकृति का पूजन ये करेंगे तो प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ प्रकृति का पूजन करें यह तो उचित नहीं है, जड़ प्रकृति की शरण जावे तो यह उचित नहीं है। तो भगवान ने इस पर्वत के अंदर स्वयं प्रवेश किया। हाँ, जैसे निष्प्राण देह पड़ी हो उसमें प्राण प्रवेश कर जाए तो लोग उसको आलिंगन भी करते हैं, हृदय भी लगाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं, पूजते भी हैं। ऐसे ही निष्प्राण जड़ था पर्वत, भगवान ने इसके अंदर प्रवेश किया, इसके अंदर प्राणों का संचार हुआ और अपना मुख बाहर निकाल लिया भगवान ने। ऐसे ऐसे पकवान सब आए हैं, जितने प्रकार के पकवान आपने देखे हैं, सुने हैं, खाए हैं, बनाए हैं, उनसे भी ज्यादा पकवान आज ब्रजवासी लेकर के आए हैं। गिरिराज में से आवाज आई,
नंद बाबा ने कही कन्हैया जी कौन की आवाज है? अरे बाबा गिरिराज की आवाज है, गिरिराज देवता की। अरे कन्हैया लगे महीनन को भूखो देवता है, पकवानन को देख के आवाज लगा रहे हो। बाबा भूखो नहीं है, प्रेमी देवता है, देखो कैसा प्रेम करे, कैसे पकवान है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज वर्णन करते हैं, पूरी चने कचौड़ी खस्ता सुंदर 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 रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुख कर हो, रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुख कर, हलवा मोहन हार जलेबी पेड़ा पटरी पटरी किया पुआ बड़े सोठ पापड़ और पपड़ी हो, किया पुआ बड़े सोठ पापड़ और पटरी, व्यंजन सब सुंदर बने दाल भात रोटी कढ़ी साग राय देवी विविध विविध उरद मूंग आलू पड़ी, पूरी चुन चुन चने कचौड़ी खस्ता सुंदर 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 रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुख गए, रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुख गए, रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया सुख गए। नंद बाबा आए, सब ब्रजवासी आए, नंद बाबा ने देखी, सब ने देखी, कहा आंख मटक रही है। एक बोली एरी सखी, बोले बोल, बोले तू भी वही देख रही है जो मैं देख रही हूं, बोली हां सखी। तीसरी बोली मोए तो ये कन्हैया ही लग रहे हो, चौथी बोली कन्हैया तो हमें भी लग रहे हो, लेकिन जब देखे ऊपर तो कन्हैया दिख रहे हो मुंह, और बगल में देखे तो खड़ो भयो कन्हैया। अब यही समझ में ना आ रहा, चक्कर का दो दो कन्हैया कहां पे आए गए। अरे अरे कन्हैया जैसो लगे है, लेकिन जी गिरिराज है, कन्हैया तो हमारा लाला है। कन्हैया ब्रज की गोपिकाओं का भाव है, वो कन्हैया को भगवान मानते ही नहीं, वो तो कन्हैया को अपना सखा संबंधी लाला मित्र बेटा ये माने, भगवान तो और मान लो, लेकिन हमारा तो कन्हैया हमारा लाला है, ये भाव से ब्रजवासी। ग्वाल बाल आज नौजवान छोरा वो सखा के भाव ते देखे। नंद बाबा ने कही कन्हैया पहली बार आए लाला, कोई पूजन में चूक ना है जाए, हमें बता गिरिराज की पूजा करे कैसे। बाबा सुन, घरन में पूजा करने वाले गृहस्थीन के लिए गैया के गोबर ते देसी गाय के गोबर ते चौका लेप लगाओ, स्क्वायर बढ़िया चौका, और वाक्य बाद में गैया के गोबर को ही मुख बनाओ, धड़ बनाओ, पांव बनाओ, हाथ बनाओ, नेत्र बनाओ, मुख बनाओ, नाभि बनाओ, और बढ़िया बढ़िया छप्पन भोग बनाए करके अपने हाथ अंते सोने चांदी की थालन में जैसी जैसी इसकी सामर्थ्य हो लेकर के आओ, गिरिराज को भोग लगाओ, रोली चावल से पूजन कर लियो। वाक्य बाद में महाराज पंचामृत से दूध दही पंचामृत से स्नान कराओ, और वाक्य बाद में मानसी गंगा को जल लेकर के आओ, गिरिराज जी को आचमन कराओ। इतनी छोटी सी पूजा है। अब गिरिराज और फिर बाकी बात, और पूजा के बाद आरती करो गिरिराज जी, आरती के बाद परिक्रमा लगाओ। देखो आप सब लोग, हम सब लोग आरती करें, लेकिन आरती करना अभी जाने ही नहीं, आरती कैसे कियो करें, आरती करने को तरीका है, कैसे आरती करनी चाहिए, चार बार ठाकुर के चरणन की आरती करनी चाहिए, चार बार गौ नाभि देशे दो नाभि मंडल की आरती करनी चाहिए, और मुख मंडल ही कम एक मुख की आरती करनी चाहिए, चार चरणन की दो नाभि की एक मुख की कितनी हो गई सात, और सात सर्वांग की आरती करें, ये आरती करने को ढंग है। लोग बेचारे घबरा जावे जब कोई भीड़ ना होवे और आरती करें ना, तो यूं घुमावे फिर देखे पीछे कौन आ गया, अरे आराम से करो, चार बार यो, दो बार यो, एक बार यो, सात बार यो, आराम से, जब तक कोई ना कोई आई जाएगा, कहां दिक्कत है।
ये आरती करने का नियम है। और परिक्रमा लगाने की, नारायण की परिक्रमा, विष्णु की परिक्रमा, कृष्ण की परिक्रमा, हनुमान की परिक्रमा, ये चार होनी चाहिए। देवी की परिक्रमा एक होनी चाहिए। देवी की एक परिक्रमा होती है, राम कृष्ण हनुमान विष्णु की चार परिक्रमा होती है, गणेश जी की तीन परिक्रमा होती है, सूर्य की सात परिक्रमा होती है और शनि शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है। शिवस्य अर्धा प्रदक्षिणा, ये परिक्रमा का विधान है शास्त्रों में। अब तो महाराज भगवान का पूजन अर्चन किया गया है। हमारे यजमान से, मुख्य यजमान से पूजन करवाओ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। Oh.